हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गन फिट के बारे में। और गन फिट को इंग्लिश में क्यूबिक फिट भी कहते हैं और शॉर्टकट में ये CFT के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यूबिक फिट क्या होता है। जब आप कोई हुड परचेज करने दुकान में जाते हैं और दुकानदार आपको क्वांटिटी CFT में पूछता है और आप सोचने लग जाते हैं कि CFT आखिर कैसे कैलकुलेट करें। चलिए गाइस, CFT कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एक हुड का पीस लेना होगा और आप पेन से हुड के पीस के ऊपर लेंथ, विड्थ एंड हाइट कुछ इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है वैसे मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जो लेंथ आप लिख रहे हैं वो 7 फीट है और हाई विड्थ 1 फीट एंड हाइट 1 फीट है। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है। अगर आप ये लेंथ जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं 7 फीट है और विड्थ 1 फीट एंड हाइट भी 1 फीट है, आप ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको 750 मिल जाएगा। अगर आपका वैल्यू इंच में होगा तो क्या आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे? नहीं। इंच में अगर वैल्यू दिया गया है तो आपको ऐसे कुछ करना होगा, जैसे कि अभी जो डायग्राम पे वैल्यू लिखा है वो फीट में था तो मैं फीट को इंच में वो सेम वैल्यू कन्वर्ट कर लिया था। और आपको पता होगा 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, तो मेरा 7 फीट 84 इंच हो गया और 1 फीट वाला 12 इंच हो गया। चलिए अब आप डायग्राम में इंच का वैल्यू देख पा रहे हैं। आपको सेम फार्मूला यूज़ करना है, लेंथ 84 है और विड्थ 12 इंचेस है एंड हाइट भी 12 इंचेस है। और यहाँ पे आपको 1728 से डिवाइड करना होता है। अगर आप डिवाइड करने के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 7 CFT मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 1728 से डिवाइड क्यों करना है। अगर आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच, अगर आपको इंच को फीट में कन्वर्ट करना है आपको डिवाइड करना होगा। पर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 12 इंटू 12 इंटू, आप जब 3 बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं 12 का तो आपको 1728 मिलता है।